पीटीआई, पहली बात तो यह है कि पीटीआई पहले ट्रांसपेरेंसी की बात करती थी, फिर अपने अकाउंट्स को ये खुफिया क्यों रखना चाहती है, क्या कौन सी चीजें हैं जो ये कौन से छुपाना चाहती है और कौन से, क्योंकि ये झूठ बोलते रहे। दूसरी बात ये है कि जो केस जब से चल रहा है तो स्टेज पे स्टेज दे रहे हैं और एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन लेने पे इनका जोर क्यों है। तीसरी बात ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको कंप्लीट करने इन्होंने क्यों नहीं दिया, इसके पीछे भी इनके क्या क्या मकासद हैं, और अगर अपॉइंटमेंट की तो अपने ही जो है वो क्रोनीस को क्यों सदर से वो नोटिफाई कराया जो 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 ओथ ना ले सके। इस किस्म के इलीगल काम करने के पीछे ये महसूस होता है कि पीटीआई के जो फंडिंग केस है उसमें ये बुरी तरह से फंसे हुए हैं, इनको कोई उम्मीद नहीं है कि इनके हक में फैसला आएगा, क्योंकि सबूत काफी मौजूद हैं जिनके बुनियाद पे इनके खिलाफ फैसला आना है, और फैसले आने के बाद जब एक जमायत जो है बजाते खुद उसकी अहलियत पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, तो प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट जो है उसका चलना भी मुमकिन नहीं रहा।